भवानी मंडी पंचायत समिति के 21 वार्ड के जिला परिषद और जनपद के चुनाव जो है उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई। हम है गुरेड़ा जोगा में, जो कि अभी तक का जो मतदान माना जा रहा है 15% मतदान हो गया है, 3800 मतदाता माने जा रहे हैं। एक तरफ जो है पूरे डग विधानसभा भवानी मंडी पंचायत समिति के 98,000 मतदाता है जो आज अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसके चलते हम गुरेड़ा जोगा मतदान केंद्र पर पहुँचे हैं। किस तरह की यहाँ तैयारियाँ की गई है, सुबह से जो कतारें हैं वो लग रही है। अब 3800 मतदाता है, अभी तक जो है 15% मतदान हुआ है। कोविड की जो पालना है कहीं ना कहीं देखी जा रही है, लोग मास्क लगाकर जरूर आए हैं, मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइज की व्यवस्था कर रखी है। अब ये देखना है कि 21 वार्डों के चुनाव हैं, जिला परिषद 3 है। अब ये शाम तक जो 5-6 बजे तक जो कितना परसेंटेज मतदान होता है, एक तरफ 27 पंचायत के 21 वार्डों में चुनाव ये देखे जा रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं। हम जिस तरह से देख रहे हैं धीरे 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 महिलाओं का भी कहीं ना कहीं कतार जो है वो लंबी होती जा रही है, क्योंकि बढ़ चढ़ कर महिला भी इस चुनाव के अंदर अपना वोट डालने का प्रयास कर रही है। और पुलिस प्रोटोकॉल की जब बात आती है, सुरक्षा का दृष्टिकोण देखा जाता है, तो पुलिस प्रोटोकॉल भी अपना काम कर रहा है। और जितने भी जो ऑब्जर्वर यहाँ लगे हुए हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का परसेंटेज अभी तक हुआ है और क्या क्या व्यवस्था देखी जा रही है, और अभी तक जो परसेंटेज है वो कितना हुआ है, क्या क्या व्यवस्था है अभी आपके पास। अभी हमारे यहाँ करीब 15% 9 बजे तक 15% वोटिंग हो चुका है और काफ़ी अच्छी तादाद में सभी मतदान केंद्रों पर भीड़ लगी हुई है। कितने मतदाता हैं आपके? यहाँ पे करीब 3800 मतदाता हैं। 3800 मतदाता हैं। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? हमने सभी व्यवस्थाएं की हैं जो पोलिंग पार्टी के लिए व्यवस्था की आवश्यकता होती है, रजाई, गद्दे, गर्म पानी, पानी का टैंकर वगैरह, सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजिंग, सभी व्यवस्था हमने की है। और स्काउट गार्ड भी लगा रखे हैं ताकि किसी मतदाता को परेशानी नहीं हो, इसलिए हमने सारी व्यवस्था की है। और सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया गया, इसके लिए हमने जगह जगह गोल घेरे भी बनाए हैं। देखा आपने, 42 प्रत्याशी है, अपने भाग्य का जो है वो तय करने जा रहे हैं। और उसमें हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं जो कि यहाँ कुछ समझदार लोग भी हैं, मास्क पहन के आए हैं, मतदान डालने आए हैं। क्या नाम है आपका? कोविड की पूरी पालना कर रहे हैं आप? सैनिटाइजर वगैरह किया आपने? सैनिटाइजर वगैरह किया अभी? हाँ। कहाँ के रहने वाले? गुरेड़ा जोगा में। कैसा लग रहा है आज कोविड के चलते एक मतदान करने आए घर से निकल कर? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। किसको चुनना चाहेंगे? वो हम बता नहीं सकते अभी। आपका क्या नाम? ईश्वरचंद पाटकर। कहाँ से आप? गुरेड़ा जोगा। गुरेड़ा जोगा। कोविड की पालना हो रही है पूरी? कोविड की पालना हो रही पूरी। कितने मतदाता है आपके यहाँ पे? 3800। बस आपको क्या नाम है? आपको याद है मेरा नाम? तो आप बताओ ना नाम। बालचंद जैन। मतदान करने आए? बिल्कुल 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 मतदान करेंगे। और दूसरों को प्रेरित कर रहे होंगे मतदान करेंगे? करेंगे सर। देखा मेहमान, आपको बता दूंगा लगातार जिस तरह से मतदान केंद्र जो है वो सब जगह से इसी तरह से भीड़ देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोविड की पालना भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। अब और मतदान केंद्रों का भी हम जायजा लेंगे। खबर 24 सुबह से ये अपडेट दिखा रहा है कि मतदान करना जरूरी है, क्योंकि अपना मत का अधिकार होता है, और कहीं ना कहीं कोविड की पालना भी देखी जा रही है। अब ये देखना है कि 6 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान होता है, और रिजल्ट आने के बाद और अपना भाग्य का पिटारा खोलता है, ये भी देखने वाली बात है। मेरे साथ कैमरामैन अनिल विश्वकर्मा, खबर 24 से लोकेश मकवाना। शुरू हुए हैं, उसके पुलिस प्रशासन पूरे मौके पर है। गुरेड़ा माना में पैदल मार्च कर लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। गोपी चंद मीणा के नेतृत्व में गुरेड़ा जोगा पंचायत का भी मतदान केंद्र का निरीक्षण हुआ है। उसके साथ साथ जो 200 मीटर का जो दायरा होता है, उस दायरे की पालना कराने तो लोगों को भी जा रहे हैं, और धीरे 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 पैदल जो है पूरा पुलिस कैंट में आज जो है निकल रहे हैं। हम बात करते हैं गोपीचंद जी से, जानते हैं कि किस तरह के मतदान केंद्र की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और क्या मॉनिटरिंग की जा रही है सर? किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है सर? देखिए, भवानी मंडी पंचायत समिति चुनाव में 133 जी और मतदान केंद्र 43 जी, उन पर पर्याप्त मात्रा में जब्ता लगाया गया है। मतदान लगातार हमारे मोबाइल किस तरह का सर प्रशासन और पुत्र से साहब और आप लोगों ने मल्टी करके मतदान के लिए आपसे वो लगाया है, पालना की बात आती है, किस तरह का देखा जा रहा है पूरा एक्टिव वाले? हमने एसडीएम साहब और मेरे द्वारा हमने हमारे उच्चाधिकारी निर्देशन का मुख्य सभी से मीटिंग करके डॉक्टर को पर्याप्त मात्रा में निर्देश देकर पर्याप्त मात्रा में लगाया गया ताकि शांति
ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो सके। जिस तरह से पुलिस जाब्ते को नियंत्रण रूप से लगाया गया है और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि एक 200 मीटर का जो दायरा होता है, इस दायरे के अनुकूल जो है पुलिस फ्लैगमार्च कर रही है और अपने अपने मतदाता को उठाने का काम दोनों पार्टियां कर रही हैं। आप मेरे पीछे मेरे कैमरामैन अनिल से कहूँगा कि आप दिखाएं किस तरह से समझाइश की जा रही है।